वो क्यों मारे, क्या उनका मकसद था, मैं नहीं जानता। और मारे बहुत शिद्दत के साथ, बहुत गुस्से में थे वो, पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे वो, शायद क्या मेरी टोपी दाढ़ी देख के मारे क्या। नौजवान 6-7 लड़के थे जिनके हाथ में लकड़ी और पाइप वगैरह से थी। अब शाम में 6:30 बजे के आसपास नमाज पढ़ के मैं चाय पी के घर जा रहा था। वहाँ पर जाने में कुछ नौजवान 6-7 लड़के थे जिनके हाथ में लकड़ी और पाइप वगैरह से थी। मैं जा रहा था, उसमें से एक बंदा लकड़ी फेंक कर मेरी तरफ मारे तो मैं बाइक से गिर गया। उनको पूछने पर आके वो मारे, उनको पूछ रहा था भाई तुम क्यों मार रहे हो मुझे। दूसरा जो था उनका साथी, उसने आके गर्दन पे एक और लकड़ी से मारा मुझे। उनको पूछने पर तीसरा बंदा आके फिर वो मेरे शोल्डर पे घुसने और एक मारा। इसी तरह सब तरफ से मिल के वो मारने लगे और बहुत गुस्से में थे। और क्या खलास करते हैं ऐसा बोल के जुमला बोल रहे थे वो, पूरी तरह उनके जुमला मुझे समझ में नहीं आए। बाद में लोग आए, बाद में फिर छोड़ाए तो वो चले गए मार के। कहाँ का मारे? गर्दन पे है, सर के नीचे। हाँ। बाद में इस तरफ घर मारे इस तरफ। दुकान पे है। हाँ। गर्दन पे जी। और उसमें क्या भी तुम्हारा क्या भी नहीं था, तुम चुप जाते चले को मारे? जाते चले, मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, मैं जानते भी नहीं उन लोगों को। हाँ। वो क्यों मारे, क्या उनका मकसद था, मैं नहीं जानता। हाँ। और मारे बहुत शिद्दत के साथ, बहुत गुस्से में थे वो, पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे वो। खलासी करते ऐसा करते वैसा करते बोल रहे थे वो लोग। मुझे नहीं समझ में आया मुझे क्यों मारे वो, क्या मकसद था उनका। शायद क्या मेरी टोपी दाढ़ी देख के मारे क्या। और क्या भी नारे गिरे क्या भी लगाए थे क्या शायद जय श्री राम वो या क्या बोल को? नहीं, इस तरह के जुमले कोई नहीं सुना मैं। अलबत्त तो कुछ तो बोल रहे थे वो, पूरे सेंटेंस मुझे समझ में नहीं आया।